नमस्ते, मैं हूं कृति अग्रवाल, क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट फ्रॉम धार, मध्य प्रदेश। फिनटेक जंक्शन के जरिए हम आप तक पहुंचाते हैं फाइनेंस और टैक्स से जुड़ी अपडेट्स। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नए वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। आज का पहला अपडेट है जूम वीडियो कम्युनिकेशंस। इंडिया में प्रेजेंस बढ़ाने के लिए बेंगलोर में एक नया टेक्नोलॉजी सेंटर ओपन करने जा रहा है, जिसके लिए अगले कुछ सालों में एम्प्लॉयज भी हायर किए जाएंगे। कंपनी के अनुसार जनवरी से अप्रैल 2020 तक फ्री यूजर साइनअप्स में 6700% की ग्रोथ हुई है। अगला अपडेट है, देश की फेमस कॉफी चेन सीसीडी ने अप्रैल से जून तक देश भर में अपने 280 आउटलेट्स क्लोज किए हैं। इसकी वजह आने वाले टाइम में प्रॉफिट पर प्रेशर और एक्सपेंसेस बढ़ने की पॉसिबिलिटी है। इसके बाद सीसीडी के टोटल आउटलेट्स की गिनती 1480 हो गई है। हालांकि वेंडिंग मशीन्स फाइनेंशियल ईयर 2021 के फर्स्ट क्वार्टर में 59,115 यूनिट्स हो गई, जो पिछले साल सेम क्वार्टर में 49,397 यूनिट्स थी। लेकिन एवरेज सेल्स पर डे अब 15,445 रुपए रह गया है, जो पिछले साल सेम क्वार्टर में 15,739 रुपए था। अगला अपडेट है, देश के सबसे बड़े म्यूचुअल फंड रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट कैंप्स को सेबी से आईपीओ की परमिशन मिल गई है। इस आईपीओ के जरिए कंपनी 1500 से 1600 करोड़ रुपए कलेक्ट कर सकती है, जिसमें एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स अपने 1.22 करोड़ शेयर्स ऑफर फॉर सेल के जरिए बेच सकते हैं। अगला अपडेट है, माइंड स्पेस बिजनेस पार्क REIT आईपीओ लेकर आने वाली है। ये आईपीओ 27 जुलाई को खुलेगा, जिसके थ्रू कंपनी 4,500 करोड़ रुपए कलेक्ट करेगी। कंपनी ने पर शेयर का प्राइस 274 से 275 तक फाइनल किया है। यह देश का दूसरा REIT आईपीओ है। इससे पहले एम्बेसी ऑफिस पार्क REIT अपना आईपीओ अप्रैल 2019 में लेकर आ चुकी है। नेक्स्ट अपडेट है, बॉलीवुड स्टार्स जेनेलिया और रितेश देशमुख इमेजिन मीट्स के नाम से प्लांट बेस्ड मीट प्रोडक्ट्स लॉन्च करने जा रहे हैं। ये प्रोडक्ट्स प्लांट इंग्रेडिएंट से ही बने होंगे, बट इनका टेस्ट और इनका स्मेल एनिमल मीट जैसा ही होगा। नेक्स्ट अपडेट है, टेलीकॉम डिपार्टमेंट ने आईटी और आईटी इनेबल्ड सर्विस इंडस्ट्री को 31 दिसंबर 2020 तक वर्क फ्रॉम होम करने की परमिशन दे दी है। कोरोना वायरस के चलते गवर्नमेंट ने इस इंडस्ट्री को जुलाई तक ये परमिशन दी थी, जिसे अब एक्सटेंड करके दिसंबर तक कर दिया गया है। आज के वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपनी क्वेरीज को कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। थैंक यू।